कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यक्ति इतिहास की धारा को मोड़ सकता है, एक व्यक्ति वास्तव में इतिहास बना सकता है। अगर इन चीज़ों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में देखा जाए तो नितांत ही सत्य प्रतीत होती है। आपका अगर इरादा सच्चा है, आपकी अगर तमन्ना सच्ची है, आप अगर त्याग बलिदान और विद्वता के साथ व्यवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का कोई एक संदेश है तो वो संदेश है कि व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप अति असामान्य कार्य करना चाहते हैं तो आपको अति असामान्य प्रयास करना पड़ेगा। बाबा साहब ने अपनी विद्वता के सहारे, अपने त्याग और बलिदान के सहारे भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। भारत का वो इतिहास जो अन्याय, अत्याचार, अपमान की बुनियाद पर टिका हुआ था, जहाँ पे व्यक्ति व्यक्ति ना होके एक साधन मात्र था, जहाँ पे उसको एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था दूसरे लोगों के द्वारा, वहाँ पे बाबा साहब न्याय की न्याय, समता और भाईचारे की एक बड़ी लकीर खींच के सामने रख देते हैं और देखते हैं कि भारत के अंदर आज जितना भी मानवतावादी आंदोलन चल रहा है, भारत के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे हैं, भारत के अंदर जितने भी समतावादी आंदोलन चल रहे हैं, उन सब में बाबा साहब बुनियादी शख्सियत के रूप में निखर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो न्याय की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं, वो विज्ञान की बात करते हैं और सबसे बढ़कर वो इंसानियत की बात करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी भारत में। क्योंकि बाबा साहब सफल क्यों हो पाए? बाबा साहब सफल इसलिए हो पाए क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ पढ़ा, ना सिर्फ लोगों को पढ़ने के लिए तैयार किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में सामने किया। आज हम लोग इतने अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं, इतने अच्छे संसाधन हमने जुटा लिए हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे मकानों में, घरों में हम लोग रह रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं हम लोगों ने ली हैं, लेकिन बाबा साहब ये सारी सुविधाएं अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए। बाबा साहब अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए क्यों? क्योंकि वो समाज के दुख दर्द को समझ के करोड़ों बच्चों के दुख दर्द को दूर करना चाहते थे, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को उस तरीके से ना निभा पाने की वजह से 4 बच्चे बाबा साहब के कुर्बान हुए, उनका अपनी खुद की माँ रमाई कुर्बान हुई, तब जाके हम सब लोग यहाँ तक पहुँच पाए। इसलिए एक व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प के साथ, जो संकल्प उन्होंने 23 सितंबर 1917 को लिया था बड़ौदा में, उस संकल्प को पूरा किया और भारत में ना सिर्फ लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया बल्कि एक समतामूलक प्रबुद्ध भारत की स्थापना में अपने पूरे जीवन को लगाया और आज करोड़ों बच्चे, उनकी करोड़ों संतानें उनके उस संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।